की मांग को नहीं माना है, जिसके कारण वे लगातार आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। लगातार पिछले 20 दिनों से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे कार्मिकों ने बताया है कि आंदोलन से पूर्व उन्हें 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतन कॉलेज प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन अब सभी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है, जिसके बाद अब कर्मियों का वेतन आधा कर दिया है, जिसको लेकर वे लगातार शासन प्रशासन से PRG के माध्यम से वेतन की मांग कर रहे हैं। पौड़ी से मुकेश वछीति की रिपोर्ट। सर जो है कि ऐसा है कि जो है कि हमारी मांग तो जो है पूरी कर नहीं रहे हैं, हमारी सैलरी में जो है कि कहाँ फर्क भी डाल रहे हैं। हम सारे मजदूर लोग हैं, हैं, और जो है कि इसीलिए जो है कि हमें जो है कि दिक्कत हो रही है कि हमें जो है कि 6,000 रुपये लाया जा रहा है। 6,000 में आज का महंगाई का ज़माना है, हमारे बच्चे लिखने पढ़ने वाले भी हैं, कहाँ से जो है कि हम अपना खर्चा पूरा करेंगे। जो लड़का हमारा अगर इंटर पास कर दिया, उसने हम अपनी इनको जो है आगे कॉलेज पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चों का तो भविष्य वैसे भी अंधकार है। और आंदोलन में वैसे तो जीत ही होती है, उम्मीद सरकार से यही है कि जीत ही हो, क्योंकि अभी तक जो निष्कर्ष निकला नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से भी पूरी पत्रचार ये वगैरह और लोगों के पैर पकड़ने रिक्वेस्ट करनी सब चल रहा है हमारी तरफ से। तो आज भी मीटिंग है हमारी DM कार्यालय में, तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो निष्कर्ष निकालेंगे वो लोग, हमारे हित की बात थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी, जब 18-19 दिन हो गए हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, DM साहब ने एक चीज़ बोली थी कि तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, पर इसलिए कि सर जब सैलरी हमारी घट गई और हमारे बच्चे सर यहीं से कॉलेज कर रहे हैं, तो हम कहाँ से सर उनकी फीस भर पाएंगे। और सर कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हो यहाँ के डायरेक्टर साहब, तो सर हमारे गांव में तो नेटवर्क की परेशानी रहती है, कुछ साधन नहीं है सर। तो सभी बहनों से सभी भाइयों से यही है और निर्देशक साहब से भी यही है कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हम अंदर आने